नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोनिल को लेकर शुरू हुआ विवाद अपने चरम पर है और निशाने पर हैं बाबा रामदेव और पतंजलि। कोरोना की लॉन्चिंग के बाद से ही इस पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सवाल ये उठ रहा है कि बिना फाइनल अप्रूवल के ही बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा कोरोनिल को लॉन्च कैसे कर दिया, इस दावे के साथ कि ये दवा 100% कारगर है। अब केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा है कि पतंजलि आयुर्वेद को फाइनल अप्रूवल मिलने से पहले अपनी दवा का प्रचार नहीं करना चाहिए था। आयुष मंत्री ने साथ ही कहा कि पतंजलि योगपीठ को जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा है कि पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोनिल से संबंधित दस्तावेज भेज दिए हैं और इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। पतंजलि योगपीठ के प्रमुख बाबा रामदेव ने इस दवा को लॉन्च करते हुए क्लिनिकल ट्रायल में इसके सफल परिणामों का दावा किया था। इस दवा को मंगलवार से ही बाजार में उतारने का दावा किया गया, लेकिन पतंजलि की कोरोना टैबलेट के मामले में आयुष मंत्रालय ने पल्ला झाड़ दिया था। उसका कहना था कि इस दवा के बारे में साइंटिफिक स्टडी वगैरह की सूचना नहीं है। यही नहीं, आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से कोविड की दवा की कंपोजिशन, रिसर्च स्टडी और सैंपल साइज समेत तमाम जानकारी साझा करने को कहा था। उत्तराखंड सरकार से इस आयुर्वेदिक दवा के लाइसेंस आदि के बारे में जानकारी मांगी थी। इस पर काफी बवाल हुआ था। सोशल मीडिया पर इस पर तरह तरह की बातें कही गई हैं। इसके बाद पतंजलि योगपीठ के कर्ता धर्ता आचार्य बालकृष्ण ने इस बारे में आयुष मंत्रालय को एक पत्र लिखा था। इसके जवाब में भेजे गए पत्र में आयुष मंत्रालय ने कहा था कि उसे सारे दस्तावेज मिल गए हैं और इनका अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन अब कोरोनिल को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।